मैं नाम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से सुपर 30 के बारे में और इसके प्रेडिक्शंस के बारे में, वो भी 6 दिन के ही। एक चीज तो आपको पता ही चल गई होगी, ये फिल्म बढ़िया चल रही है। और आखिरी खबर जो आपको बता दो, अच्छी खबर जो आई थी इस फिल्म से जुड़ी हुई, वो ये है कि इस फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री कर दिया गया, जो बहुत ही बड़ा डिसीजन है। मेरे ख्याल से इस तरह की फिल्मों को एक दो दिन में ही टैक्स फ्री कर देना चाहिए, जब आपको पता है इतनी बढ़िया फिल्म है, इतनी अच्छी नीयत से बनी है। सो आई थिंक लेट आया लपेट है, क्या बोलते उसको, दे रहा है दुरुस्त है ना वैसा, तो आई होप सही है। एनीवेज बात करते हैं इसके अभी तक के रिस्पांस की। 4 दिन के बाद फिल्म का जो कलेक्शंस का आंकड़ा था वो लगभग कितना था, 58 करोड़ के आसपास था, तक का था 4 दिन के बाद, क्योंकि 3 दिन के बाद 50 करोड़ इस फिल्म ने कमा लिया था, सभी को पता है। 4 दिन के बाद इस फिल्म का 58 करोड़ के आसपास आंकड़ा पहुंच गया था। और यहां पर जो 5वें का आंकड़ा है, जो 6 से 8 करोड़ का कल का प्रेडिक्शन था मेरा, और ये फिल्म 6.5 करोड़ के आसपास कमाती हुई नजर आ रही है, ये अपडेट लास्ट पता चले है। यानी कि इसका टोटल 5 दिन के बाद का जो आपको देखने को मिलेगा वो 64 करोड़ के ऊपर ही होगा, ठीक है, 64 से 64.50 करोड़, यानी कि 64 करोड़ इस फिल्म ने कमा लिया है। और ये फिल्म का जो ड्रॉप था मंडे से लेकर ट्यूजडे के बीच में वो सिर्फ 8 से 10% के बीच में रहा है, यानी कि फिल्म स्टेबल चल रही है और वीकडेज में भी फिल्म अच्छी कमाल कर रही है, विच इज अ प्रूफ दैट फिल्म स्टेबल चलती रहेगी आने वाले वक्त में भी, और वीकेंड पे फिर छलांग मारी सेकेंड वीकेंड पे, ठीक है। 6 दिन की जहां तक बात करें, आई थिंक देयर विल बी ए डिसेंट ड्रॉप इन द कलेक्शंस, और 6.5 से 6 करोड़ के आसपास कलेक्शंस हो सकता है। दैट मींस माय प्रेडिक्शन विल बी 5 to 6 करोड़ इन द सेफर साइड, एंड इफ दैट पॉसिबल, अगर वैसा हुआ जिसे हम चीज सोच रहे हैं, तो 64 करोड़ से लेकर ये फिल्म का जो कलेक्शंस होगा इससे 69 करोड़ से 70 करोड़ के बीच में हो जाएगा आफ्टर 6 डेज, एंड दैट मींस ओवरऑल हफ्ते भर का जो कलेक्शन आएगा वो लगभग 74 से 75 करोड़ जाने की बहुत बड़ी संभावना है। और 74 से 75 करोड़ गया उसके बाद सेकेंड वीकेंड में तो ये फिल्म धमाल करेगी, अच्छे से 15 से 20 करोड़ तक बटोर लेगी आराम 3 दिनों में, तो ये फिल्म आराम से 100 करोड़ तक जाएगी, वो भी सेकेंड वीक खत्म होते होते। दैट इज वेरी इजी एंड सिंपल थिंग टू टेल। तो आप कितने खुश है इस प्रेडिक्शन से जो मेरा 5 से 6 करोड़ तक का है, क्या लगता है इतना होगा या इससे भी ज्यादा होगा, जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप कोई भी अपडेट इस चैनल से मिस ना कर सके।